लोधना मोड़ जीनागुड़ा मुख्य मार्ग जयरामपुर एकीकृत अंतर्गत सुशी आउटसोर्सिंग परियोजना के भारी वाहन से भागडिगी पुल क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन पुल में फंस गया, कूदकर चालक ने अपनी जान बचाई। जनता श्रमिक संघ सहित अन्य यूनियनों में आउटसोर्सिंग प्रबंधक और बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश भड़क गया। आउटसोर्सिंग प्रबंधक और बीसीसीएल प्रबंधन की मिलीभगत का आरोप लगाया गया। एक साजिश के तहत लोधना क्षेत्र संख्या 10 के लोगों को विस्थापित करना चाह रही है। मोहन भैया बताइए, कौन सा जगह? ये बागडीगी का पुलिया है। कल भी बागडीगी का पुल का रेलिंग तोड़ दिया गया था, आज क्या कुछ हुआ? कल टूटा था, थोड़ा सा टूटा था, जिसके चलते साजिश की तरह आज भी लग गया उन लोगों को कि ये लोग पुल बनवाने के फेरा में है, इसको रात में फिर पूरा पुल तोड़ दो। तो इसका निया से इसको धक्का मारा कर जान के बूझ के तुड़वाया जा रहा है। तो क्या कुछ अभी हुआ यहाँ पे? अभी इसको मरम्मत, रास्ता दूसरा नहीं बनेगा, चाहे मरम्मत नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग अगला कदम अब आउटसोर्सिंग बंद करेंगे। आसकनिया गाड़ी भी फंस चुका है यहाँ जी, गाड़ी भी फंस चुका है। हाँ, गाड़ी भी फंस चुका है, कब पलट जाएगा थोड़ा सा अड़ा हुआ है। तो उसमें तो चालक भी होगा इसका? हाँ, चालक भी है। तो कैसे अपना जान बचाया? चालक कूद के अपना जान बचाया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहन पांडे, जनता श्रमिक संघ संजीव सचिव। बीसीसीएल प्रबंधक, महाप्रबंधक और आउटसोर्सिंग प्रबंधक का मिली भगत है, सोची समझी एक साजिश है। कल भी रैलिंग को तोड़ा गया, हम लोग ने बुद्धि मैंने समझदारी वाला काम हम लोग भी किए और ठीक मैंने बीसीसीएल प्रबंधक आश्वासन दिया कि हम बागडेगी पुल को मरम्मत करने का काम करते हैं। हम लोगों ने मैंने सोच समझ कर मैंने हम लोग ने छोड़ दिया। ठीक 24 घंटा नहीं बीता और बीसीसीएल प्रबंधक और आउटसोर्सिंग प्रबंधक दोनों मिलकर मिली भगत करके रातों रात 24 घंटा के अंदर साजिश रच के फिर इस तरह से हॉल पैक से इस तरह से रेलिंग को तोड़ा गया है, वो कतई हम लोग बर्दाश्त, जनता श्रमिक संघ बर्दाश्त नहीं करेगी। पहाड़ी घोड़ा से लेकर जयरामपुर या मैंने जो भी अदर बस्ती है, 50,000 का कम से कम जनसंख्या है लोधना और जयरामपुर जोड़ने का, जो रास्ता एकमात्र रास्ता है जो रेलिंग है बागडीगी पुल उसको